मेरी ओके खातिर हजरत, हम आपको मैनचेस्टर ले चलते हैं जब तक के तैमीना के ये मसला हल नहीं होता, क्योंकि कुछ डेट का प्रॉब्लम आ रहा है, और हम आपको मैनचेस्टर ले जाते हैं जहां आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहतरम मखदूम अमजद शाह से। आप चेयरमैन अकेडमी अद्वियात बरतानिया और पार्टी हाउस यूके के चेयरमैन की हैसियत से मुआगही का चिराग रोशन किए हुए हैं। आप मुसन्निफ, लिखारी, शायर, अदीब, ड्रामा नवीस, इन्वेस्टिगेटिंग यानी कि तहकीकाती सहाफी और सीनियर एंकर की हैसियत से गुज़श्ता 26 साल से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। पहले बार टीवी, बीबीसी टीवी और हदायत टीवी पर भी आपने बतौर एंकर अपनी खिदमत सर अंजाम दी। शोबा वकालत से मुंसलिक हैं, और इसी तरह 1991 में आपका नावल जंगल के नाम से 2 जिल्दों में शाया हो चुका है। आपकी शायरी की 2 किताबें भी मंजरे आम पर आने वाली हैं, और आपका तहकीकी काम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के कोर्सेज में पढ़ाया जाता है। उर्दू, अंग्रेजी और पंजाबी में आप लिखते हैं। आपको मुतद्दद अवार्ड और असनाद से नवाजा जा चुका है, और आप कहते हैं कि हमारी बात में रोशन ख्याली है, सो हम अमजद हकीकत साथ रखते हैं, फसाना छोड़ देते हैं। हकीकत को साथ रखने वाले शायर और हकीकत आशना शायर मोहतरम मखदूम अंकित साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने कलाम से हमारे सामाईन की समाज में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आपको, आपके तमाम शुरका को आज के इस प्रोग्राम में, और आपके नाजरीन को, सामेहीन को, सबको मेरा बहुत बहुत बड़ा आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया आपने दावत सुखन आज दी है। सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगा खुद आपको, आपके इदारे को, शरीफ एकेडमी जर्मनी और जज्बा न्यूज़ और इसकी तमाम जितने भी काम करने वाले हैं पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि बहुत खूबसूरत प्रोग्राम आप करते हैं। हमेशा ही आपके प्रोग्राम देखने के लायक होते हैं, सुनने के लायक होते हैं। इसके लिए मेरी जानिब से और मेरे इदारे यानी अकादमी अदबियात बरतानिया और उसके तमाम अराकीन की जानिब से मुबारकबाद और तहसीन कबूल फरमाइए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जहां तक प्रोग्राम के मयार की बात है, वो मैं पहले कह चुका हूँ कि ना सिर्फ देखने सुनने के काबिल होता है बल्कि काबिल तारीफ भी है। मैं अपना कलाम पेश करता हूं आप सबकी इजाजत से, और हमद के एक दो अशार मैं हमेशा इस तरतीब से सुनाता हूं अपना कलाम कि हमद के एक दो अशार हों, नात के हों, अगर मंत्र के भी हो जाए तो बेहतर होता है, उसके बाद फिर जो सिलसिला नज़्म का। जी अर्ज किया मंजर मंजर कोई पोशीदा नहीं तेरी नजर से, मंजर कोई पोशीदा नहीं तेरी नजर से, हर आन हर एक चीज को तू देख रहा है। हर आन हर एक चीज को बहुत तू देख रहा है। शुक्रिया। और हर चीज तेरे कब्जाए कुदरत में है मौला, हर चीज तेरे कब्जाए कुदरत में है मौला, जो कुछ है मेरे पास वो सब तेरी अता, वो सब तेरी अता है, जो कुछ है मेरे पास वो सब तेरी अता है, और ये एक गवाही भी हमें कम नहीं अमजद, ये एक गवाही भी हमें कम नहीं अमजद, तू मेरे नबी रहमते आलम का खुदा है। रहमते आलम का खुदा है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक दो अशार नात के, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह चंद अशार गजल के, और एक बात नज़्म होगी। और कहा शऊरे बशर और उनकी जात, कहा शऊरे बशर और उनकी जात कहां, कहां ये मेरा कलम
और नबी की बात कहाँ, और नबी की बात कहाँ, कहाँ ये मेरा कलम है और नबी की बात, और नबी की बात कहाँ, और एक एक लफ्ज उन्हीं की अता से है वरना, एक एक लफ्ज उन्हीं की अता से है वरना, मैं एक अदना लिखारी नबी की नात कहाँ। बहुत शुक्रिया मैं एक अदना लिखारी नबी की नात कहाँ, और दो अशार एक मन कवत के करबला आग ही का रास्ता है, आग ही का रास्ता है, तू इसे वाकया ना समझा कर, करबला आग ही का रास्ता है, तू इसे वाकया ना समझा कर, और इब्तदा ये हयात नौ की है, इब्तदा ये हयात नौ की है, मौत को फातिमा ना समझा कर, मौत को फातिमा ना समझा कर, बहुत खूब, मुझको बेआसरा ना समझा कर, देख खुद को खुदा ना समझा कर, बहुत अच्छा, को खुदा ना समझा कर, बहुत शुक्रिया। और अब अगर तो आपने नज्म का अलग से दौर करना है और गजल का अलग से दौर करना है, आप बिस्मिल्लाह सुनाएं और मैं आपको जी मेरी आवाज़ जी गजल की थोड़ी गड़बड़ हो रही है अमजद भाई की। अच्छा जी, तो अमजद साहब मैं आपसे अर्ज करता चलूं इससे पहले कि आप अपनी नज़्म पेश करें कि आतिफ अदीम हमारा कलाम सुन रहे हैं और इसी तरह कफील अहमद टोरंटो से हमें सुन रहे हैं और बहुत बाकायदगी से हमारे इस प्रोग्राम को सुनते हैं, मोहतरमा मुमताज मुनव्वर पीर भाई इंडिया से भी बाकायदगी से हमारा प्रोग्राम सुनती हैं और आप सबको सलाम अर्ज कर रही हैं, रियाना अहमद जाना ने भी केरला से आप सबके लिए सलाम अर्ज किया है और प्रोग्राम पर अपनी पसंदीदगी का इजहार किया है। इसी तरह मुसर्रत अब्बास चौधरी यूएई से ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, मलिक अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान से प्रोग्राम को सुन रहे हैं और पसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं। इसी तरह शहजाद रहमान ने इंग्लिस्तान से हमें ज्वाइन किया है और मोहम्मद एजाज भी हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। याद रहे कि ये प्रोग्राम हवा के दोष पर दुनिया भर में सुना जा रहा है। शरीफ अकेडमी जर्मनी के जज्बा फरोगे इनोवेट के पेश नजर ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में हरिद्वार को यूरोप के वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे पेश किया जाता है। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब मोहतरम मखदूम अमजद शाह साहब से कि वो अपनी नज़्म पेश करें और फिर उसके बाद हम जी तमाम अहबाब का जो हमें देख भी रहे सुन भी रहे इनका मेरी जानिब से हम सब की जानिब से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और चूंकि गजल की बहर में कलाम चल रहा है तो मैं समझता हूँ कि पहले गजलें कर ली जाए, दूसरा दौर जब होगा तो उसमें नज्में इंशाल्लाह। तो मैं आज आपके साथ अपनी एक उस वक्त की एक गजल आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा जब मुझे गालबन शायरी के बारे में और खास तौर पर इसके शायरी के जो असरार और रमूज है और रूस वगैरह है मुझे उसका उस वक्त बिल्कुल इल्म नहीं था, और ये मेरी शुरू की गजलों में गजल है जिसको जिसमें मैंने इसके हर दूसरे मिसरे में मुहावरा इस्तेमाल किया। तो ये जरा देखिएगा कि इस शाम का रंग मैंने निराला देखा, इस शाम का रंग मैंने निराला देखा, हर गांव पे हर बाम उजाला देखा, उजाला देखा, वाह वाह बहुत खूब, इस शाम का रंग मैंने निराला देखा, हर गांव पे हर बाम उजाला देखा, और थर्रा गया भंवर की चाल पे सफीना, थर्रा गया भंवर की चाल पे सफीना, फिर डूबते को तिनका संभाला देखा, वाह वाह बहुत, फिर डूबते को तिनका संभाला देखा, और दुनियाए बेनवा में रंजो अलम के साथ, दुनियाए बेनवा में रंजो अलम के साथ,
एक बाअदब का देश निकाला देखा, एक बाअदब का देश निकाला देखा, और तेरी अंजुमन में आके रंगी अजब देखे, तेरी अंजुमन में आके रंगी अजब देखे, नासे के हाथ में भी प्याला देखा, नासे के हाथ में भी प्याला देखा, और नजरों में हर एक तौर तस्वीर तेरी थी, नजरों में हर एक तौर तस्वीर तेरी थी, पलकों पे हर एक तेरा हवाला देखा, हर एक तेरा हवाला देखा। बहुत बहुत शुक्रिया शफीक साहब। जहां आप वक्त की तकसीम के हवाले से जहां मुझे आप रोकना चाहें मुझे रोक दीजिएगा, वगरना मैं पढ़ता ही जाऊंगा। तो चंद अशार मजीद आपकी खिदमत में। जी जी अशार जी, के मायार हमसे अपना गिराया नहीं गया, वाह वाह वाह, मायार हमसे अपना गिराया नहीं गया, जो गिर गया नजर से उठाया नहीं गया, उठाया बहुत शुक्रिया, जो गिर गया नजर से उठाया नहीं गया, और परदेसियों के साथ कभी दोस्ती न की, परदेसियों के साथ कभी दोस्ती न की, पानी पे हमसे नक्श बनाया नहीं गया, बनाया नहीं गया, पानी पे हमसे नक्श बनाया नहीं गया, और बुजदिल बुजदिल भी मैं नहीं ना दरवेश हूं मगर, बुजदिल भी मैं नहीं ना दरवेश हूं मगर, दुश्मन पे मुझसे तीर चलाया नहीं चलाया नहीं गया, दुश्मन पे मुझसे तीर चलाया नहीं गया, और तन्हाई थी तन्हाई भी थी वस्ल पे माइल भी था वो शख्स, तन्हाई भी थी वस्ल पे माइल भी था वो शख्स, पर एतबार अपना गवाया नहीं गया, अपना गवाया नहीं गया, एतबार अपना गवाया नहीं गया। बहुत और शेर देखिए, इसमें मैंने अपने अपने इलाके का जिक्र किया है कि अमजद दियारे गैर के जलवे भी कम नहीं, अमजद दियारे गैर के जलवे भी कम नहीं, पर मुझसे अपना जंग भुलाया नहीं गया, मुझसे अपना जंग भुलाया नहीं गया। ये जंग जो है ये मेरे इलाके का नाम है पाकिस्तान में। और एक और गजल के चंद मजीद अशार के, दर्द सहते हुए मकानों तक, दर्द सहते हुए मकानों तक, दिल जलाया कई जमानों तक, बहुत शुक्रिया। दर्द सहते हुए मकानों तक, दिल जलाया कई जमानों तक, और रौंद डाला मलाल को दिल से, रौंद डाला मलाल को दिल से, हमने हर पल तेरे बहानों तक, हर पल तेरे बहानों तक, और लोग हीले तलाश करते रहे, लोग हीले तलाश करते रहे, कोई उतरा ना दास्तानों तक, कोई उतरा ना दास्तानों तक। बहुत शुक्रिया। और मैं निशाना लगा के छोड़ूंगा, मैं निशाना लगा के छोड़ूंगा, दुश्मने जान तेरे ठिकानों तक, मैं निशाना लगा के छोड़ूंगा, दुश्मने जान तेरे ठिकानों तक, और मैंने पहुंचा के दम लिया मखदूम, मैंने पहुंचा के दम लिया मखदूम, इल्तजाओं को आसमानों तक, मैंने पहुंचा के दम लिया मखदूम, इल्तजाओं को आसमानों तक। बहुत शुक्रिया जी जी। एक दो तीन अशार और फिर उसके बाद इंशाल्लाह पढ़िए आप, अच्छा पढ़ रहे हैं। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया। कि जिंदगी की
राहदारी से अलग, जिंदगी की राहदारी से अलग हो गए हम तेरी यारी से अलग, तेरी यारी से अलग बहुत हो गए हम तेरी यारी से अलग, और नफा और नुकसान की परवाह न की, नफा और नुकसान की परवाह न की, हो गए बस साझेदारी से अलग, हो गए बस साझेदारी से अलग, और मजमाए अफसुर्द गाँव में चंद लोग, मजमाए अफसुर्द गाँव में चंद लोग हंस रहे हैं सो दुआरी से अलग, मजमाए अफसुर्द गाँव में चंद लोग हंस रहे हैं सोगवारी से अलग, और चार मिट्टी के खिलौने वक्ते शाम, चार मिट्टी के खिलौने वक्ते शाम नाचते देखे मदारी से अलग, नाचते देखे मदारी से अलग, और सुबह की गाड़ी से निकले नौजवान, सुबह की गाड़ी से निकले नौजवान हो रहे थे नागवारी से अलग, हो रहे थे नागवारी से अलग, और वक्त ने मखदूम जब हमला किया, वक्त ने मखदूम जब हमला किया, हम खड़े थे मारा मारी से अलग, मारा मारी खड़े थे मारा मारी से अलग। मैं बहुत बहुत शुक्रिया जी, मैं चाहूंगा कि अब हमारे दूसरे श्रोता हमारी खवातीन यहाँ मौजूद हैं उनको भी वक्त दिया जाए। बहुत शुक्रिया जी साहब। मोहतरम मखदूम अमजद शाह जो कि अपने कलाम से हमारी इस महफिल को मुनव्वर कर रहे थे, और हम कोशिश करते हैं कि तहमीना मिर्जा से हम कलाम सुन सके। मैं ये भी अर्ज करता चलूँ कि हमारा ये प्रोग्राम हवा के दोस्त पर दुनिया के तमाम बर्रियाज़मों में सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, और दुबई और इंग्लिस्तान से अमेरिका से हमारे साथ दोस्त शामिल हैं, जिनमें रेहान अहमद जाना कैनेडा से, और मुल्ताफ हुसैन पाकिस्तान से, शहजाद अरमान लंदन से, और मोहम्मद एजाज तस्लीम हसन ने भी हमें ज्वाइन किया है इंग्लिस्तान से, जबकि कामरान सरसुदी हमारे साथ हैं, और मोहतरम डॉक्टर अंजुम बारा बंकी भी हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं और अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। तहमीना, अब आपकी तरफ हम बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि आपका कलाम हम सुन सकें। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इससे पहले कि नेट दोबारा अपना मसला खड़ा कर दे, तो मैं जल्दी जल्दी चंद अशआर आपकी नजर करती हूँ। शुरू हो जाए आपकी इजाजत से, कि याद की दस्तरस में रहती हूँ, याद की दस्तरस में रहती हूँ, दस्तरस में रहती हूँ। वाह बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत प्यारा भाई। मैं कहाँ अपने बस में रहती हूँ, अपने बस अपने बस में रहती हूँ, याद की दस्तरस में रहती हूँ, मैं कहाँ अपने बस में रहती हूँ, जिसमें कोई नहीं है दरवाजा, जिसमें कोई नहीं है दरवाजा, एक ऐसे कफस में रहती हूँ, एक ऐसे कफस में रहती हूँ। बहुत 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 खूब। मुझको सुनना नहीं कोई मुश्किल, मुझको सुनना नहीं कोई मुश्किल, मैं सदाए जरस में रहती हूँ, मैं सदाए जरस में रहती हूँ, जबरदस्त। मुझको सुनना नहीं कोई मुश्किल, कोई मुश्किल, मुझको सुनना नहीं कोई मुश्किल, मैं सदाए जरस में रहती हूँ। शाह साहब आपकी नजर एक शेर जी के, बरसों पहले मिली थी मैं तुझसे, बरसों पहले मिली थी मैं तुझसे, आज तक उस बरस में रहती हूँ, बरस में रहती हूँ। बरसों पहले मिली थी मैं तुझसे, आज तक उस बरस में रहती हूँ, और मेरा मरकज है आखिरश मट्टी, मेरा मरकज है आखिरश मट्टी, इसलिए खारो खस में रहती हूँ, इसलिए खारो खस में रहती हूँ। बहुत प्यार,
और जिंदगी बन गई है दोराहा, जिंदगी बन गई है दोराहा, आजकल पेशो पस में रहती हूँ, आजकल पेशो पस में रहती हूँ, ढूंढते हो कहाँ है तहमीना, ढूंढते हो कहाँ है तहमीना, मैं दयारे नफ्स में रहती हूँ, मैं दयारे नफ्स में रहती हूँ, याद की दस्तरस में रहती हूँ, मैं कहाँ अपने बस में रहती हूँ, याद की दस्तरस में रहती हूँ, मैं कहाँ अपने बस में रहती हूँ। एक और गजल है उसके चंद अशआर आपकी इजाजत से। जी अच्छा। बरसों पहले मिली थी मैं तुझसे, आज तक इस बरस में रहती हूँ। जी क्या हुआ, मजीद इरशाद कीजिए। एक और गजल के चंद अशआर के, यकीन टूटे तो फिर सालिम दोबारा हो नहीं सकता, यकीन टूटे तो फिर सालिम दोबारा हो नहीं सकता, मोहब्बत के हिसाबों में खसारा हो नहीं सकता, मोहब्बत के हिसाबों में खसारा हो नहीं सकता, और तेरा वो देखना मुझको मुसलसल देखते जाना, और तेरा वो देखना मुझको मुसलसल देखते जाना, कहीं रुए जमीन पर ये नजारा हो नहीं सकता, कहीं रुए जमीन पर ये नजारा हो नहीं सकता, और मुझे वो छोड़कर हिजरत अकेला कर गया लोगों, मुझे वो छोड़कर हिजरत अकेला कर गया लोगों, बिना उसके मेरे दिल का गुजारा हो नहीं सकता, बिना उसके मेरे दिल का गुजारा हो नहीं सकता। बहुत खूब बहुत खूब। और दिलासे दे रहे हैं क्यों अजीजा ने चमन हमको, दिलासे दे रहे हैं क्यों अजीजा ने चमन हमको, उसी का शहर है सारा हमारा हो नहीं सकता, उसी का शहर है सारा हमारा हो नहीं सकता, यकीन टूटे तो फिर सालिम दोबारा हो नहीं सकता, मोहब्बत के हिसाबों में खसारा हो नहीं सकता। तहमीना आप एक और गजल पेश करें और फिर उसके बाद हम मुशायरे को आगे की तरफ लेकर चलते हैं। जी ठीक है, बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी सहमत सम्मतना की और कठिन सफर आपके काफिये की, बहुत शुक्रिया आपके काफिये और आपके अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे सामने बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, और नागरिक भी बहुत पसंद कर रहे हैं। डॉक्टर अंजुम बारा बंकी भी आपकी शायरी को पसंद करके दादो तहसीन से नवाज रहे हैं, अफील अहमद भी हमारा ये सुन रहे हैं, और शुक्रगुजार हूं पाकिस्तान पाकिस्तान से हमारा ये मुशायरा सुन रही है मोहतरमा सुरैया जहूर, जो की बाकायदगी से हमारे इस प्रोग्राम को सुनती हैं, और मैं अर्ज करता चलूं कि उनके खामन जहूर हुसैन जहूर पंजाबी के एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, जिनका नाम उर्दू शायरी में एक बहुत बड़ा नाम है, और उनके नाम पर पाक पतन का सबसे बड़ा चौक उन्हीं के नाम पर है, जहूर हुसैन जहूर चौक। माशाल्लाह, आपने पाकिस्तान के फौजी आमरियत के जमाने में जेल की भी सौगतें बर्दाश्त की और आपने हक की आवाज हमेशा बुलंद की, तो इंशाल्लाह हम एक प्रोग्राम करेंगे बियादे जहूर हुसैन जहूर, और आप सबको हम उसमें मदद करेंगे, और उनकी बेवा मोहतरमा सुरैया जहूर जो कि बड़े शौक से इस प्रोग्राम को सुनती हैं, पसंद करती हैं और अपनी राय का इजहार भी करती हैं, वो भी हमारे साथ हैं। तो मैं तुम्हारा जहमत कलाम देता हूँ तहमीना आपको कि आप मजीद एक गजल पेश करें और उसके बाद हम आपको हिंदुस्तान ले चलेंगे। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू, मैं शुक्रगुजार हूँ। और चांद अशआर आपकी आप सबकी नजर
कि कठिन सफर जो बिन तेरे गुजारा था, कठिन सफर जो बिन तेरे गुजारा था, मैंने हर मोड़ पे तुझे पुकारा था, मैंने हर मोड़ पे तुझे पुकारा था, कठिन सफर जो बिन तेरे गुजारा था, मैंने हर मोड़ पे तुझे पुकारा था, और मंझधार में डूबने से जरा पहले, मंझधार में डूबने से जरा पहले, जरा पहले, वाह बहुत खूब, जरा पहले, जरा पहले, बहुत प्यारा, तेरे मेरे बीच बस किनारा था, तेरे मेरे बीच बस किनारा था, बहुत खूब, बहुत खूब। और देखूं जो आसमां पे सितारों को, देखूं जो आसमां पे सितारों को, सितारों को, इस जहां में तू मेरा सितारा था, इस जहां में तू मेरा सितारा था, देखूं जो आसमां पे सितारों को, इस जहां में तू मेरा सितारा था, और दिल के बदले में दिल दिया तुझे, दिल के बदले में दिल दिया तुझे, यूं तेरा एहसान भी उतारा था, तेरा एहसान भी उतारा था, बहुत अच्छे, बहुत खूब, और उलझे लगते थे बिखरे बालों में, उलझे लगते थे बिखरे बालों में, फिर तेरी जुल्फ को संवारा था, फिर तेरी जुल्फ को संवारा था, और जीतूंगी मैं ही जीतूंगी, जीतूंगी मैं ही जीतूंगी, सुन के ये बात तू ही हारा था, सुन के ये बात तू ही हारा था, और अब कोई और लगाए फिरता है, अब कोई और लगाए फिरता है, वो तेरा नाम जिस पे हक हमारा था, वो तेरा नाम जिस पे हक हमारा था, सात मिर्चों के लिए हाथों में, सात मिर्चों के लिए हाथों में, फिर तेरे सर से उनको वारा था, फिर तेरे सर से उनको वारा था, चार सीधे तीन उल्टे दिए चक्कर, चार सीधे तीन उल्टे दिए चक्कर, यूं तेरी नजर को उतारा था, तेरी नजर को उतारा था, यूं तेरी नजर को उतारा था, और आखिरी शेर देख, इसके बाद इजाजत चाहूंगी कि लौट आई तहमीना वजह सुन लो, लौट आई तहमीना वजह सुन लो, हिजर जिंदा ने बहुत ही मारा था, हिजर जिंदा ने बहुत ही मारा था, कठिन सफर जो बिन तेरे गुजारा था, मैंने हर मोड़ पे बस तुझे पुकारा था, मैंने हर मोड़ पे बस तुझे पुकारा था। क्या बात, बहुत शुक्रिया, खुशबुओं, फूलों की खुशबुओं जैसी नर्म नाजुक लब लहजे की शायरा तहमीना मिर्ज़ा का कलाम आपकी समाअतों को मुअत्तर कर रहा था। मैं इससे पहले कि अपना कलाम आपकी खिदमत में पेश करूं, अर्ज करता चलूं कि मोहतरम डॉक्टर अंजुम बारा बंकवी ने आपके कलाम को बहुत पसंद किया, और जिस तरह कफील अहमद जो कि कैनेडा से हमारा प्रोग्राम बाकायदा तौर पर सुनते हैं, प्रोग्राम पर अपनी पसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं और तहमीना की शायरी पर दाद व तहसीन से नवाज रहे हैं। इसी तरह नजीर अहमद शहजाद, सबकी बहुत मेहरबानी जी। अबू धाबी से नदीम अहमद शहजाद ने हमारे साथ शिरकत की है, और अंजुम बारा बंकवी और डॉक्टर नुजनत अब्बासी कराची से भी हमारे इस प्रोग्राम को सुन रही हैं, और मैं आपकी खिदमत में एक गजल पेश करता हूँ। शोहरतों की किताब से निकलूं, वाह वाह, शोहरतों की किताब से निकलूं, से निकलूं, वाह वाह, लफ्ज इज्जत माप से निकलूं, वाह वाह, शोहरतों की किताब से निकलूं, लफ्ज इज्जत माप से निकलूं, वाह वाह, किताब से निकलूं, चाहतों के अजाब से निकलूं, जिंदगानी के ख्वाब से, वाह वाह, क्या बात, चाहतों के अजाब से निकलूं, जिंदगानी के ख्वाब से निकलूं, और अर्ज है के बादा नशी का दर्श दे मुझको,
बादा नोशी का दर्श दे मुझको, पी के निकलूं हिजाब से निकलूं। बादा नोशी का दर्श दे मुझको, पी के निकलूं हिजाब से निकलूं। और कीजिएगा कि खुद से तो निकल ही आया हूं, खुद से तो निकल ही आया हूं, अब मैं तेरे शबाब से निकलूं। निकल ही आया हूँ, निकल ही आया हूँ, अब मैं तेरे शबाब से निकलूं। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तहमीना, आप का बहुत शुक्रिया। आप बहुत तवज्जो के साथ कलाम को सुन रही हैं, और जहाँ तक कलाम सुनाने वाले का कलाम को पसंद किया जाता है, तो जो इतने गौर से सुनते हैं वो भी हमारे लिए काबिले तहसीन है, और वो भी बात के मुस्तहिक हैं। एक हकीकत है अगर यही दुनिया, एक हकीकत है अगर यही दुनिया, आखरत के खराब से निकलूं। एक हकीकत है अगर यही दुनिया, आखरत के शराब से निकलूं, फिर कहूं दिल की बात महफिल में, फिर कहूं दिल की बात महफिल में, बात महफिल में, फिर उसी आबोताब से निकलूं। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। फिर कहूं दिल की बात महफिल में, फिर उसी आबोताब से निकलूं, और चश्मे फुरकत में रख के तेरा विसाल, चश्मे फुरकत में रख के तेरा विसाल, तेरा विसाल, हिजर के पेचो ताब से निकलूं। क्या बात है, वाह वाह वाह, हां पेचो ताब से निकलूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। हिजर में चश्मे फुरकत में रख के तेरा विसाल, हिजर के पेचो ताब से निकलूं, और वुस्ते दू कहानियों को मुराद, वुस्ते दू कहानियों को मुराद, और लुब्बे लुबाब से निकलूं। वाह, लुब्बे लुबाब, वाह बहुत अच्छा। वुस्ते दू कहानियों को मुराद, और लुब्बे लुबाब से निकलूं, और मकतर्ज है कि कोई अंदाज हो शफीक मुराद, लुबाब से निकलूं, कोई अंदाज हो शफीक मुराद, रोजे महशर हिसाब से निकलूं। हिसाब से निकलूं, क्या कहा है। बहुत शुक्रिया, आपने कलाम को पसंद किया और अपने इस खूबसूरत कलमात से मुझे नवाजा, मैं आपका तह दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और इसी तरह अपने तमाम दोस्तों का जो हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और कमेंट्स दे रहे हैं, और वो दोस्त जो कि सुन रहे हैं लेकिन ऑडियो सुन रहे हैं और कमेंट्स नहीं दे पा रहे, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं इसी तरह आपको अर्ज करता चलूं कि हवा के दोष पर ये प्रोग्राम शरीफ अकेडमी जर्नी के जरिए तमाम आप देख और सुन रहे हैं, और जज्बा न्यूज के फेसबुक पेज और यूट्यूब पर आपको लाइव पेश किया जा रहा है। मैं आपको हिंदुस्तान ले चलता हूँ, जहाँ आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहतरमा जीनत एहसान से, जो कि बम्बे में रिहाइश पजीर हैं। आप आला तालीम याफ्ता खातून हैं, जो शायरा होने के साथ साथ अफसाना निगार और फिल्मी अदाकारा भी हैं। इंतहाई जहीन व फतील खातून हैं, और आप मदीना प्रदेश में पैदा हुई। आपने एम ए सोशियोलॉजी, एम ए हिंदी, एम ए संस्कृत किया, और उसके बाद LLB किया, बाद हजार बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ एजुकेशन भी किया, और उसके बाद हिंदी में डॉक्टरेट भी किया। आपकी 6 किताबें मनसा शहूद पर आकर आसमान अदब पर रोशनी फैला रही हैं, जिसमें पहली किताब तेरी याद में गजल, जो कि हिंदी और उर्दू की किताब है, इसी तरह सुलगती मोहब्बतें उर्दू, और सुलगती धूप भी उर्दू गजलों की किताब है, जो कि आपके मश्के सुखन, आपकी शेरी लगाव पर दलालत करती हैं। जबकि अफसानों की किताब बविंदर
भी मंजरेआम पर आई और नज़्मों की एक किताब धड़कने भी मिसले आफ्ताब अपनी रोशनी बिखेर रही है। आपकी शायरी नई दुनिया की दरियाफ्त है और नए शौरी इम्कानात नए रास्तों और नई मंजिलों की खबर देते हैं और सैरा अदब के मुसाफिरों के लिए साया शजरदार शजर सायादार शजर की हैसियत रखती हैं। आप कहती हैं कि जाने किस किस जगह हमको जाना पड़ा, जाने किस किस जगह हमको जाना पड़ा, एक झलक देखने को तेरी जिंदगी। आपकी शायरी जिंदगी के बहुत करीब है। मैं दावत सुखन देता हूँ मोहतरमा जीनत एहसान को कि वो आज की इस महफिल में अपने कलाम से हमारे सामाईन की समातों में रंगों में और आसमान अदब पर कौसे कज़ा के नूर से आसमान को मुनव्वर करें। बहुत बहुत शुक्रिया शरीफ भाई, सबको आदाब करती हूँ और मैं शरीफ एकेडमी की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम के लिए मुनक्किद किया, आमंत्रित किया। और अपनी बात में चार मिसरों के साथ शुरुआत करती हूँ कि अंधे सफर में ठोकरें ही खा रहे हैं लोग, अंधे सफर में ठोकरें ही खा रहे हैं लोग और जाना कहाँ है और कहाँ जा रहे हैं लोग, जाना कहाँ है और कहाँ जा रहे हैं लोग। वाह वाह वाह, भलाई चाही थी इतने कसूर पर, सबकी भलाई चाही थी इतने कसूर पर, मतलब परस्त हमको ही ठहरा रहे हैं लोग ठहरा रहे हैं लोग। और एक गजल के कुछ शेर आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा जी। कि किस कदर दीवानगी में मुबतिला है आदमी, दीवानगी में मुबतिला है आदमी, आदमी के खून का प्यासा हुआ है आदमी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा, प्यासा हुआ है आदमी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और शेर देखें कि अब तो भाई के ही हाथों कट रहा भाई का सर, अब तो भाई के ही हाथों कट रहा भाई का सर, खून के रिश्तों का भी कातिल हो गया है आदमी। का भी कातिल हो गया है आदमी। और ये शेर बतौर का कि है कभी मोहसिन कभी जालिम कभी है बेवफा, वाह बहुत है कभी मोहसिन कभी जालिम कभी है बेवफा, तरह के नकाबों में छुपा है आदमी। नकाबों में छुपा है आदमी, है कभी आदमी कभी जालिम कभी है बेवफा, तरह के नकाबों में छुपा है आदमी। आदमी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आदमी नामा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया आपकी। एक दौर हुआ करता था जब हमारे यहाँ कहा जाता था कि गांव की बहन जा रही है, गांव की बेटी जा रही है, पर दौर बदला, माहौल बदला, बदली और जुमले भी बदल गए। तो बात कहना चाहती हूँ, तरह तरह के नकाबों में छुपा है आदमी और कैसी माए कौन बहने किसकी बहुए बेटियां, कैसी माए कौन बहने किसकी बहुए बेटियां, अपने बहशी पन में खोकर रह गया है आदमी। कैसी माएं कौन बहने किसकी बहुए बेटियां, अपने बहशी पन में खोकर
रह गया है आदमी आदमी और मसीह का शेर समाप्त कीजिए, शायद किसी काबिल हो। इस भरी दुनिया में जीनत किसको मैं अपना कहूँ, इस भरी दुनिया में जीनत किसको मैं अपना कहूँ, भीड़ में होते हुए तन्हा खड़ा है आदमी, खड़ा है आदमी, बहुत आदमी, तन्हा खड़ा है आदमी, तन्हा खड़ा है आदमी, बहुत खूब बहुत खूब। एक गजल के कुछ शेर और आप तक पहुंचाती हूँ, सुनेगा जी, अच्छा कीजिए। जो चमन में गिरी बिजलियां याद है, जो चमन में वाह 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 बिजलियां याद है, जो चमन में गिरी बिजलियां याद है, हादसों की अभी झलकियां याद है, झलकियां याद है, शेर समाप्त कीजिए। कुर्सियों का वो अब शाहजादा हुआ, कुर्सियों का वो अब शाहजादा हुआ, कुर्सियों का वो अब शाहजादा हुआ, उसको मेरी कहां पर्चियां याद है, वाह 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 क्या खूब है, क्या वाह 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 उसको मैं कहा पर्चियां याद है। और ये शेर बतौर खास सुनेगा भाईजान शरीफ भाई, आपकी समातों के हवाले करती हूँ जी। शायद वक्त का जिनको तूफान डुबो ना सका, वाह वाह वक्त का जिनको तूफान डुबो ना सका, वक्त का जिनको तूफान डुबो ना सका, हमको ऐसी भी कुछ कश्तियां याद है, वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब बहुत, हमको ऐसी भी कुछ कश्तियां याद है। और एक शेर और मट्टी का समाध कीजिएगा जी। गुलशन में जीनत गुलों के तई, सहने गुलशन में जीनत गुलों के तई, सहने गुलशन में जीनत गुलों के तई, रश्क करती हुई तितलियां, रस्क करती हुई तितलियां याद हैं, हमको ऐसी भी कुछ कश्तियां याद हैं, हादसों की अभी झलकियां याद है, वाह वाह उसको मेरी कहां पर्चियां याद है, बहुत खूब बहुत खूब, क्या कहने क्या कहने, रवायत कीजिए, वाह 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 मजीद इनायत कीजिए जी। और कुछ सुना दूं? सुना दो। अच्छा। खरी खरी के अलावा सब कुछ सुनाए
ये आपने बहुत पते की बात बोली, खरी खरी के अलावा सब कुछ सुना। जिस गजल का शेर आपने मेरा मतलब इंतखाब किया था उसी गजल को आपके सामने जी जिंदगी जी जिंदगी मतलब समाज कीजिए कि गम नहीं है जो गम में कटी जिंदगी, गम नहीं है जो गम में कटी जिंदगी, कटी जिंदगी हमने चाही है तेरी खुशी जिंदगी, खुशी जिंदगी हमने चाही है तेरी खुशी जिंदगी, गम नहीं है जो गम में कटी जिंदगी, हमने चाही है तेरी खुशी जिंदगी, खुशी जिंदगी बहुत कि जाने किस किस जगह हमको जाना पड़ा, जाने किस किस जगह हमको जाना पड़ा, एक झलक देखने को तेरी जिंदगी, वाह 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 तेरी जिंदगी, बहुत शुक्रिया, एक झलक देखने को, जाने किस किस जगह हमको जाना पड़ा, जाने किस किस जगह हमको जाना पड़ा, एक झलक देखने को तेरी जिंदगी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया कि जिंदगी भर तेरी जुस्तजू में रहे, जिंदगी भर तेरी जुस्तजू में रहे, फिर भी तू ना कहीं मिल सकी जिंदगी, तू ना कहीं मिल सकी जिंदगी, जिंदगी भर तेरी जुस्तजू में रहे, फिर भी तू ना कहीं मिल सकी जिंदगी, और समाज कीजिएगा बतौर खास शायद किसी काबिल हो कि हम अगर बेवफा हैं तो यूं ही सही, हम अगर बेवफा हैं तो यूं ही सही, कब वफा तूने भी हमसे की जिंदगी, हमसे की जिंदगी, हम अगर बेवफा हैं तो यूं ही सही, वफा तूने भी हमसे की जिंदगी, और मक्के का शेर भी समाप्त कीजिए शायद किसी काबिल हो कि फलसफा जिंदगी का है जीनत यही, फलसफा जिंदगी का है जीनत यही, जिंदगी मौत है मौत ही जिंदगी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, फलसफा जिंदगी का है जीनत यही, जिंदगी मौत है मौत ही जिंदगी, जिंदगी मौत है मौत ही जिंदगी, मौत ही जिंदगी, बहुत खूब बहुत खूबसूरत कलाम और जिंदगी की हकीकतों के बहुत नजदीक मोहतरमा जीनत एहसान का कलाम आप सुन रहे थे, और प्रोग्राम अपने इख्तिताम की जानिब रवां दवा है। मैं अर्ज करता चलूँ कि आज हमारी इस महफिल में हमारे दोस्त मोहतरम मखदूम अमजद शाह, मोहतरमा तहनीना मिर्जा और मोहतरमा जीनत अमान जीनत एहसान, जिन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत करके आज की इस महफिल को चार चांद लगाए, मैं इनका तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह शरीफ अकेडमी जर्मनी के कुर्रे अर्ज पर फैले हुए तमाम मेंबरान की जानिब से भी शुक्रिया अदा करता हूँ। याद रहे कि फरोगे इल्म अदब के मकासद के लिए शरीफ अकेडमी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर जो अपना काम कर रही है उसमें शमे फिरोजा महफिल मुशायरा आज का जो भी एक ऐसा ही कदम है जो कि इल्म की रोशनी को आम करने के लिए और दुनिया को इस इल्म की रोशनी के नूर से मुनव्वर करने की वर्ष से पेश किया जाता है। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने निहायत खुश असलूबी से अपना दिलकश और पुरसर कलाम हमारे नाज़रीन तक पहुंचाया, और उम्मीद रखता हूं कि आइंदा भी हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करके हमारे नाज़रीन को शायरी के जरिए शौर व आगही का पैगाम पहुंचाते रहेंगे। इसी तरह मैं तमाम नागरिक का और समाइन का, तमाम शायर दोस्तों का और अदब नवाज दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस प्रोग्राम को इन्हेमाक के साथ सुना और अपने दोस्तों को शेयर किया। इस प्रोग्राम को मुनज्जम करने में मेरा साथ दिया बलैत अहमद फारूकी, डायरेक्टर पाकिस्तान शरीफ अकेडमी जर्मनी ने,
और इसी तरह नॉटिंगम से शहजाद अरमान। आप इस प्रोग्राम के साथ मुस्लिक रहिए और शरीफ अकेडमी जर्मनी की फरोग इल्म अदब की सरगर्मियों से आगाह रहकर इल्म अदब के इस काफिले में हमारे साथ शामिल होकर इल्म की तरक्की और तरहीब में हमारा साथ दें और शौर आगही को आम करने में भी हमारा साथ दें। मैं मोहतरम एजाज हुसैन प्यारा, चीफ एडिटर जज्बा न्यूज का भी तह दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस प्रोग्राम को मंजर आम पर लाने के लिए पस मंजर में अपना किरदार अदा किया। ये प्रोग्राम हवा के दोष पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में देखा गया, सुना गया। यूरोप से मुतलका पाकिस्तानियों के हालात से बाखबर रहने के लिए जज्बा न्यूज के साथ मुंसलिक रहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अपने इस शेर के साथ शौर ज़ात विरासत में छोड़कर मैं मुराद तस्वीर करके देखूंगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। जी बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। इमिग्रेशन और तारकीने वतन की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।